ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना को मात देकर घर लौट आई हैं। उन्हें 10 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज किया गया। यह गुड न्यूज सबसे पहले ऐश्वर्या के पति और एक्टर अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब इस मामले में अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया है और उन्होंने इस इमोशनल ट्वीट के सहारे भगवान का शुक्रिया अदा किया है। फिलहाल अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। अमिताभ ने इस ट्वीट में लिखा, अपनी छोटी बेटी और बहुरानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक ना पाया अपने आंसू। प्रभु तेरी कृपा अपार है, अपार है। बता दें कि 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अगले दिन ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्योंकि ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए वो होम आइसोलेशन में थे। लेकिन 5 दिनों के बाद ही ऐश्वर्या में कोरोना के कुछ लक्षण उभरे, जिसके बाद उन्हें आराध्या के साथ ही नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने फैंस को तहे दिल से शुक्रिया बोला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ऐश्वर्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो फैंस ने उनके लिए बहुत सारी दुआ की। ऐश्वर्या लिखती है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, योर प्रेयर्स, कंसर्न, विशेस एंड लव फॉर माय डार्लिंग एंजल आराध्या एंड फॉर पा एबी एंड मी। Truly overwhelmed and forever. God bless you all. All my love, always, and prayers for the well-being of you all and all. Yours truly, deeply and heartfelt. Dwell, be safe. God bless. Love you all. जब अमिताभ बच्चन ने बताया ऐश्वर्या आराध्या के डिस्चार्ज होने पर कैसा था माहौल, इस मेंबर ने कहा था, मत रोइए। ऐश्वर्या और आराध्या के डिस्चार्ज होने के बाद अमिताभ बच्चन भावुक नजर आए और उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। तभी एक शख्स ने उन्हें रोने से मना किया और कहा कि आप भी जल्दी ही घर आ जाओगे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन थी, जिन्होंने अमिताभ की आंखों में आंसू देखकर उन्हें रोने से मना किया और कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस भावुक पल के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, प्यारी बच्ची और बहुरानी घर चले गए और आंसू निकल गए। तभी आराध्या ने गले लगाते हुए मुझे ना रोने के लिए कहा, आप भी घर